हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो किसी पर्टिकुलर मैच के बारे में नहीं है, ना ही किसी इंसिडेंट के बारे में है और ना ही किसी न्यूज़ के बारे में है। आज का वीडियो एक इंडिविजुअल के बारे में है, एक ऐसा इंडिविजुअल जिसे मैं ये कहूँ कि कोई ख़ास लोग पसंद नहीं करते, लेकिन वो खुद को बहुत बड़ा एक्सपर्ट मानता है। वो आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे कोई बात करते रहते हैं जिसकी वजह से लोग उनसे और ज़्यादा इरिटेट होते हैं, और ऐसी हरकत उन्होंने फिर से की है। मैं बात कर रहा हूँ एक जोकर के बारे में, मैं बात कर रहा हूँ संजय मांजरेकर के बारे में। संजय मांजरेकर इंडियन टीम के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। वो लेट 80s में इंडियन टीम में आए और मिड 90s तक खेले। वो एक कह सकते हैं कि एक ट्रेडिशनल टेक्निकल टेस्ट प्लेयर थे, जो वाइट बॉल में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, मगर टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी बहुत सक्सेस उनको मिली। बट उनके करियर पर बाद में आते हैं, पहले आते हैं कि मैंने उनको जोकर क्यों बुलाया। जोकर मैंने उनको इसलिए बुलाया कि उन्होंने अभी 3 दिन पहले मुंबई इंडियंस के मैच में, जो कि होम मैच था, वहाँ उन्होंने क्राउड को कहा कि लेट्स चेयर फॉर हार्दिक पांड्या एंड बिहेव। सो संजय मांजरेकर क्राउड को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके हिसाब से बिहेव करो, आप हार्दिक पांड्या को बू मत करो। सर, ये कोई रूल नहीं है, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें क्राउड को एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करने के लिए कहा जाए। जब तक क्राउड कोई वायलेंट काम नहीं करती, कोई गालियां नहीं बकती, आप बू करने से क्राउड को रोक नहीं सकते। ये ग्लोबल स्पोर्ट्स में कहीं पे भी आप जाएंगे ऐसा होता है। जोकोविक टेनिस चैंपियन है, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी, उनके बिहेवियर के काफ़ी इश्यूज रहे हैं, कभी बॉल बॉय के साथ झगड़ा, कभी अंपायर के साथ झगड़ा, स्टेटमेंट्स, उनसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम आज तक टेनिस हिस्ट्री में किसी ने नहीं जीता। और टेनिस कोर्ट बहुत कॉम्पैक्ट होता है, वो क्रिकेट स्टेडियम की तरह नहीं होता। टेनिस कोर्ट में लिटरली आप एक एक इंडिविजुअल को देख सकते हो, वहाँ पर भी जोकोविक को बू किया जाता है। तो क्या किया जाए, वहाँ क्राउड को बोला जाए कि यू शुड बिहेव? फुटबॉल मैच में तो शायद आप गए नहीं हैं, फुटबॉल मैच में तो गाने गाते हैं वो, वहाँ तो पूरी नेशनल एंथम को बू किया जाता है। अगर दो ऐसी कंट्रीज हैं जो राइवल हैं, तो दूसरी टीम की नेशनल एंथम तक को बू किया जाता है। क्लब फुटबॉल में आपको पता है विद इन इंग्लैंड इतनी राइवलरी है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के सेक्शन में अगर कोई चेल्सी का फैन या मैन सिटी का फैन बैठ जाए तो झगड़े हो जाते हैं। और यहाँ आप बू करने के लिए क्राउड को कह रहे हैं बिहेव। संजय मांजरेकर एक्चुअली अपने आप को मुंबई का रोल मॉडल मानते हैं, या ऐसा सोचते हैं कि ही नोज द बेस्ट अबाउट मुंबई, क्योंकि ऐसा उन्होंने पहले भी किया है। इंडिया के एक इंटरनेशनल मैच के दिन एक हाउसफुल स्टेडियम देख के उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि आज मुंबई का कोई प्लेयर नहीं है, लेकिन मुंबई का स्टेडियम फुल है। वो इंडिया का मैच था, उनके इस स्टेटमेंट के हिसाब से तो इंदौर गुवाहाटी में मैच हो तो खाली होना चाहिए स्टेडियम, क्योंकि इंदौर और गुवाहाटी के तो प्लेयर है नहीं टीम में। उनके हिसाब से तो वहीं वहीं पे स्टेडियम फुल होने चाहिए जहां पर उस स्टेट, उस रीजन के इंडिविजुअल प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो संजय मांजरेकर हमेशा से कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा, ऐसी कोई बात करते रहते हैं जिससे कि वो अपने आप को शो कर सके कि ही नोज मोर देन एवरीबडी एल्स, ये उनके साथ रहा है। और उसके बदले उनको कई बार माफियां मांगनी पड़ी है, कई बार गालियां खाए हैं, लेकिन ये सुधरने वाले आदमी हैं नहीं। इन्होंने 2019 वर्ल्ड कप में, सबसे बड़ा इंसिडेंट बता रहा हूँ, रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक ट्वीट किया था और कहा था कि रविंद्र जडेजा इज़ अ बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। मतलब बिट्स एंड पीसेस प्लेयर का उनका मतलब है ना तो वो प्रॉपर बैट्समैन है, ना तो वो प्रॉपर बॉलर हैं, वो टीम में खेलने के लिए उनकी जगह नहीं बनती, एट बेस्ट ही कैन प्ले टेस्ट क्रिकेट एज ए स्पिनर। जडेजा ने उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जब वो शानदार इनिंग्स खेली, और हम सब जानते हैं कि जडेजा इज एन एस फील्डर,
तो जडेजा ने उनके खिलाफ रिस्पांस में एक ट्वीट किया था कि इनफ ऑफ योर वर्बल डायरिया, आई हैव प्लेड मोर इंटरनेशनल मैचेस देन यू। और बिल्कुल सही किया रविंद्र जडेजा ने। और तब संजय मांजरेकर ने उनसे माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया, कहा कि इन बिट्स एंड पीसेज यू हैव प्रूवन मी रॉन्ग दिस दैट। मगर ये आदमी सुधरने वाला कहाँ था। फिर इन्होंने हर्षा भोगले के साथ कमेंट्री में किसी डिबेट के दौरान हर्षा भोगले को कहा, जबकि हर्षा भोगले मिड 90s से कमेंट्री करते आ रहे हैं। हो सकता है कि उनके किसी पर्सनल ओपिनियन से हम सब अग्री नहीं करते हों, बट उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज में हम डाउट नहीं कर सकते। वो हर्षा भोगले को कहते हैं कि आपने कभी क्रिकेट तो खेली नहीं, मैंने क्रिकेट खेली है, मुझे पता है कि क्या होता है, तो इस मामले में आप कमेंट ना करें। उसका बहुत स्ट्रॉन्ग फैन रिएक्शन आया, इनफैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि संजय मांजरेकर को कॉमेंट्री से बाहर कर दिया गया था। इस चीज़ के लिए संजय मांजरेकर ने फिर हर्षा भोगले से अपोलोजाइज किया और एक ट्वीट करके मेंशन किया कि कैसे वो कमेंट्री करने को मरे जा रहे हैं लेकिन लोग उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे। माफ़ी मांगने पर उन्हें वापस बुला लिया गया, लेकिन हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। अब ये तो रीसेंट ट्वीट्स हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब ज़रा संजय मांजरेकर के थोड़े प्रीवियस हिस्ट्री में जाते हैं। 2017 में मुंबई इंडियंस का कोई सीज़न इतना अच्छा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने कायरन पोलार्ड के ऊपर ये कमेंट किया था कि कायरन पोलार्ड डजंट हैव अ रेंज। पोलार्ड जो T20 के एस बैट्समैन, वन ऑफ द आइकन्स ऑफ T20 क्रिकेट आप कह सकते हैं, लीग क्रिकेट के तो ही इज़ अ मास्टर, वो दो बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम का भी पार्ट रह चुके हैं, मुंबई इंडियंस को पता नहीं कितने मैच जितवाए। उनका एक सीज़न ख़राब जा रहा था तो उन्होंने ये कमेंट किया। तो शायद वेस्ट इंडीज़ के ही किसी प्लेयर ने किया था कि आई थिंक ही डजेंट हैव अ ब्रेन। इयन बिशप ने उन्हें कॉमेंट्री में जोकर कहा था क्योंकि वो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान को सक्सीड होता देख के सरप्राइज थे, क्योंकि आपको अगर याद हो मुस्तफ़ीज़ुर रहमान ने अपने करियर के स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छा डेब्यू किया था। उन्होंने इंडिया के खिलाफ 5 विकेट, पाकिस्तान के खिलाफ 5 विकेट, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 विकेट, बांग्लादेश 2015 वर्ल्ड कप के बाद 3 बैक-टू-बैक होम सीरीज जीती थी वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो वो आप कह सकते हो कि बांग्लादेश का काइंड ऑफ अ गोल्डन पीरियड था। और मुस्तफ़ीज़ुर रहमान जब नए आए थे तो उन्हें फिज नाम से जाना जाता था, उनकी कटर्स बहुत डिफ़िकल्ट थी रीड करने को, तो उन्हें IPL का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था फॉर आई थिंक सनराइजर्स हैदराबाद। और संजय मांजरेकर ने कमेंट्री करते समय उनका मजाक बनाया था, तो इयन बिशप ने उन्हें जोकर कहा था। ही कॉल्ड हिम अ क्लाउन इन द कमेंट्री बिकॉज ही डजंट फॉलो इंटरनेशनल क्रिकेट बट हैज़ ओपिनियंस इररिलेवेंट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग। तो वो वेस्ट इंडीज़ के भी प्लेयर्स जो T20 के स्पेशलिस्ट हैं उनके बारे में भी कमेंट करते आए हैं। उसके कुछ साल पहले जाते हैं, उन्होंने सचिन तेंदुलकर को एक डरपोक प्लेयर बताया था, कहा था कि सचिन तेंदुलकर इज स्केयर्ड, ही शुड रिटायर, ही डजंट फिट इनटू द टीम। संजय मांजरेकर सचिन तेंदुलकर को डरपोक बता रहे हैं, वेरी गुड। संजय मांजरेकर ने अपने ODI करियर की तरफ कभी देखा है? अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं याद हो तो मैं याद दिला देता हूँ कि वो 1996 वर्ल्ड कप में इंडियन टीम का पार्ट थे। वो वन डाउन बैटिंग करते थे और पता नहीं कितने बॉल वेस्ट करते थे। इंडिया पाकिस्तान का वो बैंगलोर का फेमस क्वार्टर फाइनल मैच जिसमें जडेजा ने लास्ट में 25 बॉल्स 45 बनाए थे, उस मैच में संजय मांजरेकर भी खेले थे। वो वन डाउन इंडिया के लिए आए थे और उन्होंने कुछ 40-45 बॉलों पे 20 रन बनाए थे, क्योंकि दिस वॉज ए स्टाइल ऑफ प्ले। सिचुएशन से उनको कुछ लेना देना नहीं होता था, वो आते थे और बॉल वेस्ट करना शुरू कर देते थे। वो लीग मैचेस में भी खेले इंडिया के खिलाफ, इंडिया और श्रीलंका के लीग मैच में भी उन्होंने वन डाउन उतर के काफ़ी बॉल्स वेस्ट किए, सेमीफाइनल में भी वो ऐसे ही खेले थे। उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था बिकॉज ऑफ यू कैन से लैक ऑफ इंटेंट, लैक ऑफ एबिलिटी टू स्कोर क्विकली। और वो सचिन तेंदुलकर को अनफिट और स्केयर्ड कहते थे क्योंकि उनका मानना था कि सचिन अपने अर्ली डेज में रिस्क लेके खेलते थे लेकिन लेटर स्टेजेस में सर रोल्स चेंज,
कोई भी प्लेयर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जब वो सचिन नए आए थे तो ही वॉज ए यंगस्टर, जैसे जैसे रोल्स चेंज होते हैं, अब जब सेवाग आके वो रोल कर रहे हैं तो सचिन डजेंट नीड टू गो एंड डू दोज थिंग्स। उस समय एक बहुत ही सिंपल रोल था कि सेवाग वुड गो एंड अटैक एंड सचिन वुड प्ले, बिकॉज सचिन अपनी नॉर्मल क्रिकेट में भी 100 के आसपास का स्ट्राइक रेट, 90-100 का स्ट्राइक रेट उनका रहता था। तो मांजरेकर को बस एक ऐसी ओपिनियन देनी थी विच वॉज डिफरेंट देन द नॉर्मल क्राउड, क्योंकि उनको ऐसा करके थोड़ी पब्लिसिटी चाहिए होती है। उसके बाद उन्होंने विराट कोहली के बारे में एक ट्वीट किया था इन हिज अर्ली डेज, जिसमें उन्होंने कहा था कि विराट कोहली इज़ नॉट सूटेबल फॉर टेस्ट क्रिकेट, जस्ट गिव हिम वन मोर मैच एंड आफ्टर दैट ही शुड बी रिमूव्ड एंड अनदर यंगस्टर शुड बी ट्राइड। ये वही मैच है जिसमें विराट कोहली ने एडिलेड में 100 बनाया। वो एक डिफ़िकल्ट सीरीज़ थी, इंडिया 4-0 वो सीरीज़ हारी थी और वो आखिरी टेस्ट मैच था। और हम सब देख चुके थे कि विराट कोहली में बहुत टैलेंट है, वो वाइट बॉल फॉर्मेट में काफ़ी सक्सीड कर चुके थे, मगर टेस्ट क्रिकेट में उनको इंस्टेंट सक्सेस नहीं मिला था। मगर क्योंकि मैनेजमेंट नोज कि इस प्लेयर में टैलेंट है, तो मैनेजमेंट वॉज बैकिंग हिम, बट संजय मांजरेकर के हिसाब से विराट कोहली वॉज इनकेपेबल ऑफ प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट। दैट शुड हैव बीन हिज लास्ट टेस्ट मैच। उस मैच में उन्होंने 100 बनाया। अगले ऑस्ट्रेलिया टूर पे विराट कोहली ने 400 बनाए, उसके अगले टूर पे विराट कोहली ने फिर से 100 बनाया एंड ही वॉज द कैप्टन ऑफ द साइड, फर्स्ट एवर इंडियन साइड, फर्स्ट एवर एशियन साइड जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती। तो अगर संजय मांजरेकर के हिसाब से हम चल रहे होते तो शायद टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली होते ही नहीं, सचिन तेंदुलकर 2011 वर्ल्ड कप में होते ही नहीं, रविंद्र जडेजा को ड्रॉप कर देना चाहिए बिकॉज ही वॉज बिट्स एंड पीसेस प्लेयर। उन्होंने अश्विन के बारे में भी ये कमेंट कहा कि अश्विन ने भले 400-500 विकेट लिए हों, 400-500 बनाए हों, वो उनको कोई लेजेंड नहीं मानते। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? उसका एक्सप्लेनेशन यह है कि इंडिया में भले ही उन्होंने कई सारे मैचेस जितवाए हों, मगर उन्हें चाहिए कि वो हर कंट्री में 5 विकेट लें, तभी वो उनको लेजेंड मानेंगे। अब सर ये तो आपने क्राइटेरिया सेट किया, ऐसी तो कोई क्राइटेरिया है नहीं कि हर जगह जाके उनको 5 विकेट लेने होंगे। अब न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो पिछले आई वुड से 8-10 साल से इंडिया के लिए ऐसी पिचेस तैयार करती हैं जहाँ पे 200-250 भी बहुत बड़ा स्कोर होता है। वो पिचेस बिल्कुल ग्रीन पिचेस होती हैं, सीम बॉलिंग पिचेस होती हैं। ये लास्ट 10 ईयर्स की बात कर रहा हूँ एंड आई थिंक अश्विन का टेस्ट करियर भी उसी रेंज में रहा है। ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ आई वुड से आफ्टर 2012-13, जब इंडिया ने होम में कुछ ऐसी पिचेस बनाना स्टार्ट की जिसने रैंक टर्नर्स कह सकते हो आप, तो फिर ऑपोजिशन ने भी वैसी पिचेस बनाना शुरू की, विच इज़ फेयर इनफ, एवरीबडी शुड गेट होम एडवांटेज। अब उन पिचेस पे जहाँ 200 रन बनते हैं, जो पेस बॉलर फ्रेंडली हैं, वहाँ तो फर्स्ट सेशन में अश्विन के बॉलिंग करने का सवाल ही नहीं उठता, और बाय द टाइम द फर्स्ट सेशन एंड्स दूसरी टीम के 4-5 विकेट ऑलरेडी गिर चुके होते हैं। तो वो शायद पुराने टाइम में, 90s में और उसके पहले के टाइम में कह लो आप, या अर्ली 2000s में पिचेस ऐसी नहीं होती थी। न्यूजीलैंड में भी इंडिया ने जब 2009 में सीरीज जीता है तो वहाँ पे 400-500 रन्स बनते थे। अभी न्यूजीलैंड में 500 रन्स इंडिया के किसी सीरीज़ में बने हैं, आप पिछले 2-3 टूर के स्कोरबोर्ड निकाल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पिछले 2 टूर से 200 रन भी नहीं बन रहे हैं इनिंग्स में न्यूजीलैंड में, क्योंकि वो इतनी ग्रीन ट्रैक्स प्रिपेयर कर रहे हैं, सीमिंग स्विंगिंग ट्रैक्स। अश्विन को टीम में जगह तक नहीं मिलती क्योंकि इंडिया हैज़ टू प्ले 4 फास्ट बॉलर्स ऑन दोज ट्रैक्स। इंग्लैंड में भी मोर और लेस वही हालत है, और इंग्लैंड में इंडिया प्रेफर टू गो विथ रविंद्र जडेजा, हु कैन ऑफर देम अ बिट ऑफ स्पिन बट ऑल्सो वेरी केपेबल नंबर 7 बैट्समैन एंड 4 फास्ट बॉलर्स। तो कहीं ना कहीं अश्विन इज मिसिंग आउट ऑन फ्यू टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया में अश्विन ने खेला है और ऑस्ट्रेलिया में अश्विन ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। अब ज़रूरी नहीं है कि इट हैज़ टू ट्रांसेंड इन टू 5 विकेट्स। अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ जो ऑपोजिशन के बेस्ट बैट्समैन हैं उनको कितनी बार डिसमिस किया,
सो दैट डजेंट काउंट, ही हैज़ टू टेक 5 विकेट्स। 5 टेलेंडर के विकेट ले लें या टॉप ऑर्डर के 2-3 विकेट ले लें, यू शुड डिफाइन वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो वो इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते रहते हैं। अश्विन ने भी अपने सरकास्टिक वे में उनको जवाब दिया था, कहा था कि उन्हें कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं कि अश्विन इज़ अ लेजेंड, 500 टेस्ट विकेट्स। अगर 500 टेस्ट विकेट्स तक सस्टेन करना है तो आप सिर्फ एक तरह की बॉलिंग करके आप अचीव नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो यू शुड लुक एट हाउ मेनी पीपल हैव एक्चुअली अचीव 500 टेस्ट विकेट्स इन देयर करियर। इंडिया के सिर्फ सेकंड बॉलर हैं अश्विन जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स लिया है, अलॉन्ग विद दैट 5 टेस्ट सेंचुरीज। तो संजय मांजरेकर्स ओपिनियंस आर ऑलवेज कॉन्ट्रोवर्शियल, समटाइम्स अटरली स्टूपिड। संजय मांजरेकर 90s में रणजी ट्रॉफी मैच से एक बार बिहेवियरल इश्यूज के कारण निकाले भी गए थे, जहाँ पे वो एक्सेसिव अपीलिंग करते थे। ये एक वो फेस था 90s का, जब 80s 90s का, जब मुंबई के प्लेयर्स को बहुत प्रेफरेंस मिलती थी ओवर अदर स्टेट प्लेयर्स। छोटे टाउन के प्लेयर तो इंडियन टीम में सेलेक्ट ही नहीं हो पाते थे। एक फेज़ आया जब कपिल देव और बिशन सिंह बेदी ये सब टीम में थे, तो काफ़ी पंजाब के प्लेयर्स भी टीम में आए, मगर उस वक्त पूरी टीम 2 या 3 स्टेट के प्लेयर से ही मिला के बनती थी। बाद में कर्नाटका के काफ़ी प्लेयर्स आ गए। ये बहुत रीसेंट चेंजेस है। आई वुड से कि इन सब का क्रेडिट सौरभ गांगुली को जाना चाहिए, जिन्होंने आने के बाद ये ट्रेंड स्टार्ट किया कि आई नीड द बेस्ट प्लेयर्स फ्रॉम ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, नॉर्थ जोन, इररेस्पेक्टिव दैट। उसके पहले जितने भी कैप्टन आते थे वो अपने स्टेट टीम, अपने रीजन, अपने पसंद के प्लेयर्स को लेके आते थे और सेलेक्टर्स भी बायस्ड होते थे। तो संजय मांजरेकर का माइंडसेट आज भी वही है। संजय मांजरेकर के करियर की बात करूँ तो संजय मांजरेकर ने स्टार्ट अच्छा किया था, स्पेशली लेट 80s में जब वो आए तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में जाके बारबेडस में 100 बनाया था, जहाँ पे टॉप बॉलर्स लाइक एम्ब्रोस वॉल्श, बिशप ये सब थे, वहाँ पर उन्होंने एक अच्छा 100 बनाया। पाकिस्तान में पहली बार सीरीज़ हुई थी जिसमें न्यूट्रल अंपायर्स रखे थे इमरान खान ने। इमरान खान वाज़ द फर्स्ट कैप्टन जिन्होंने न्यूट्रल अंपायरिंग स्टार्ट की थी। तो इंडिया और पाकिस्तान की सीरीज़ में पहले बहुत बेईमानी होती थी, स्पेशली पाकिस्तान में जावेद मियादा प्लम LBW हो जाया करते थे और अंपायर्स नहीं देते थे। जावेद मियादा ने एक बार खुद जा कर के सिली पॉइंट और की विकेट कीपर को कहा था कि मुझे आउट करना है तो बोल्ड या कैच आउट कर लो, LBW तो ये देगा नहीं, चाहे मैं मिडिल स्टंप के सामने बॉल मेरे पैड पे लगे। तो इस किस्म की बेईमानी थी। तो इंडिया हैड डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट थे अपनी टीम के ऊपर कि उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि हम न्यूट्रल अंपायर्स बुलाते हैं, आप आके हमारे साथ खेलो। और उस टेस्ट का रिजल्ट क्या हुआ था, उस टेस्ट सीरीज़ का निल निल, चारों टेस्ट मैच ड्रॉ हो गए थे। बिना बेईमानी के जीतना थोड़ा मुश्किल होता है ना, DRS तो था नहीं उस टाइम। खैर एनीवेज, उस सीरीज़ में मांजरेकर ने एक 100 बनाया था फेसिंग वकार, वसीम, इमरान खान। हालांकि वो एक फ्लैट बैटिंग ट्रैक थी, इंडिया ने भी 500 बनाए, पाकिस्तान ने 699 बनाए, ऑलमोस्ट 700, सिर्फ एक इनिंग्स हुई दोनों टीमों। बट एनीवेज, स्पीकिंग ऑफ दैट, उन्होंने परफॉर्म किया उस सीरीज़ में, 100 भी बनाया। देन ही स्कोर्ड द स्लोएस्ट 100 फॉर इंडिया एवर इन टेस्ट क्रिकेट, जिम्बाब्वे में, बट दैट वॉज हिज अचीवमेंट्स। सो संजय मांजरेकर को बोलने से पहले सोचना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हेट हिम एंड ही शुड नॉट आस्क द क्राउड टू बिहेव, ही शुड लर्न टू बिहेव हिमसेल्फ, क्राउड हैज पेड फॉर इट एंड दे नो हाउ टू बिहेव। सो संजय मांजरेकर, लेट्स सी अगर अब आपको हेट्रेड मिलती है कि नहीं, क्योंकि अभी तो ट्विटर आपको गालियाँ देने से बाज नहीं आएगा। थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग।